नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है टेक मल्टी चैनल पे। और आज हम जानेंगे कि व्हाट्सएप के अंदर अपने चैट को कैसे बैकअप किया जाएगा मैन्युअली। ठीक है, एक होता है व्हाट्सएप बैकअप। व्हाट्सएप बैकअप में क्या होता है कि आपका जितना भी चैट है, जितने भी लोगों के साथ है और उसके अंदर जो मीडियाज हैं, उसके तो ऑप्शन मिलते हैं, पर जितने भी लोगों के साथ है वो सारे एक जगह सेव हो जाते हैं। ठीक है, फिर जब आप इंपोर्ट करते हैं तो सारे बैकअप आते हैं। तो ऐसा होता है कि हम व्हाट्सएप पे कई बार ज़रूरी लोगों से भी बात करते हैं और कुछ मस्ती मजाक भी करते हैं। ठीक है, पर हमें जो चैट चाहिए होता है फ्यूचर में, वो होता है जो ज़रूरी चैट हो। इसके लिए मैं आपको एक ऑप्शन बता रहा हूँ। आपको सिंपली अपने व्हाट्सएप में जाना है। व्हाट्सएप में आप कोई भी ग्रुप, कोई भी चैट सेम ही होता है, प्रोसेस सेम ही है, स्टेप सेम ही है। मैंने यहाँ पे एक ग्रुप ओपन किया। ठीक है, यहाँ पे मैं मोर पे जाऊँगा और एक्सपोर्ट चैट पे क्लिक कर दूँगा। यहाँ पे मुझे ऑप्शन मिलेगा विदाउट मीडिया, इंक्लूड मीडिया। अगर आप मीडिया के साथ बैकअप लेना चाहते हैं तो इंक्लूड मीडिया, और विदाउट मीडिया लेना चाहते हैं तो विदाउट मीडिया। मैं यहाँ पे मीडिया चूँकि मेरे काम का नहीं है तो विदाउट मीडिया पे क्लिक करूँगा। विदाउट मीडिया पे क्लिक करने के बाद ये मुझे ऑप्शन देगा कि ये जो फाइल है यानी जो चैट एक्सपोर्ट है वो मुझे कहाँ रखना है। आप कोई भी ऑप्शन चूज़ कर सकते हैं। आपके पास गूगल ड्राइव भी है, मेरे पास मेगा ड्राइव है, क्लाउड ड्राइव है, व्हाट्सएप है, नियर बाई शेयर है। मैं इसको जीमेल पे ही सेंड करता हूँ क्योंकि वही एक कहीं से भी एक्सेस कर सकता हूँ और सबसे सुरक्षित जगह है। ठीक है, और मैं खुद को ही भेज लूँगा। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे खुद के ईमेल से खुद को ही भेज दिया। वो आप कर सकते हैं, बस टू में जहाँ आपका ईमेल एड्रेस जो भी है वो डाल दीजिएगा और मैं यहाँ पे सेंड कर दूँगा। सेंड करने के बाद दोस्तों मुझे एक जीमेल पे मेल आएगा। ठीक है, क्योंकि मैंने उस पर भेजा है। ये देखिए यहाँ पे, अब इसको ओपन करके हम देख कैसे सकते हैं। तो देखिए, इसको अब आपको डाउनलोड करने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि आपके ईमेल में तो है ही। आप कहीं भी ईमेल लॉगिन करेंगे तो ये चीज़ आपको दिख जाएगा। आप यहाँ से ड्राइव में सेव कर सकते हैं, जिस ईमेल के साथ है उसी के ड्राइव में सेव हो जाए। या फिर अगर आप चाहते हैं कि इसको देखूँ कैसे, तो आप सिंपली इस पर क्लिक करेंगे तो ये जैसे डाउनलोड होगा, और डाउनलोड होने के बाद आपको ऑप्शन देगा। ठीक है, तो ये मेरे पे TXT रीडर WPS ऑफिस आ रहा है, क्योंकि WPS ऑफिस का ही डिफ़ॉल्ट है TXT रीडर। तो इन दोनों को छोड़ के, क्योंकि आपको डाउनलोड करना पड़ेगा WPS ऑफिस, मैं आपको क्रोम और HTML व्यूअर से दिखाता हूँ कि कैसे आप देख सकते हैं। तो मैं सबसे पहले क्रोम पे जाता हूँ। देखिए दोस्तों, क्रोम पे जाने के बाद आपको सब कुछ डेट और टाइम सबके साथ मिलेगा, क्योंकि इधर अंकित है तो मीडिया ओमिटेड मैंने 3 फोटोज़ भेजे थे और मैंने विदाउट मीडिया पे क्लिक करा था। बाकी लोग भी हैं जिन्होंने बोला है, वो सारे यहाँ दिख जाएंगे। ठीक है, इसके अलावा अगर आप HTML व्यूअर से देखना चाहते हैं तो वो कैसे दिखेगा मैं वो भी आपको बताता हूँ। वो और अच्छा दिखता है, थोड़ा टर्मिनल की टाइप का मज़ा आता है। तो ये ऐसे दिखेगा। ठीक है, तो होप कि आपको समझ में आया होगा कि आप चैट कैसे एक्सपोर्ट कर सकते हैं। आपको डाउनलोड करने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप सिंपली यहाँ पे ड्राइव पे क्लिक कर दीजिए, आपके ड्राइव में चला जाएगा ऐसे। ठीक है, यहाँ सेव कर दीजिएगा, अपलोड वन फाइल, ये अपने आप अपलोड हो जाएगा। ठीक है,